देखो इधर। मैं कैसे देखूं? मन नहीं है आपका मेरे। हेलो गाइस, वेलकम टू सुषमा रियल लाइफ। करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को। आपके पतियों की लंबी उम्र हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के पास, क्योंकि बच्चे और बहू नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं नोएडा जा रही हूँ इस टाइम। और ड्राइवर निकल लिए बहुत देर, हम 9 बजे से तैयार हैं, लेकिन वो 9 बजे की बजाय आया है 11 बजे। बच्चे वहाँ वेट कर रहे हैं। छोटी वाली बहू आ गई है बेंगलोर से नोएडा बड़ी बहू के पास, तो हम लोग सोच रहे हैं अब की बार वहीं मनाएंगे, क्यों बच्चों की छुट्टी नहीं हो पाती ना, तो हम लोग सारा सामान यहीं से ले जा रहे हैं पूजा का। ये करुए रख लिए हैं, चीनी वाले करुए रख लिए हैं। ये मेरी दवाई ववाई सब कुछ तैयार है, इसमें साड़ी वगैरह। बोल दिया था कि जल्दी आना है, 9 बजे आना है तेरे को। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब हम तैयार हैं। ये देखिए मेरे ठाकुर जी, आज पहली बार मैं बाहर जाके करूँगी, पर कोई बात नहीं, बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तैयारी भी करती जा रही हूँ दीपावली की। क्लीनिंग तो मेरे घर की पूरी हो गई, पूरी साफ सफाई हो चुकी है। हम लोग जा रहे हैं नोएडा। गाइस हम लोग तैयारी कर चुके हैं करवा चौथ की, और करवा चौथ का पूजन करने जा रहे हैं, कहानी सुनने जा रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ रहिए। ये करवे हैं, ये सामान हमारे मंसने का होता है, ये तैयार हो गई हैं। आई हैं 1 साल बाद। नहीं, मैं आती जाती रहती हूँ, करवा चौथ पे 1 साल बाद आई हूँ। हाँ वही, तो भी 2 महीने पहले ही आई थी। और ये तैयारी हो चुकी है। ये हमारे सुपुत्र हैं, ये हमारी पुत्र वधू हैं। प्लीज दीर्घायु हो, इतना आशीर्वाद दे रही हूँ कि हमेशा खुश रहें और पार्वती माता सौभाग्य रहे। तो चलिए अब हम पूजा की शुरुआत करते हैं। ये हमने लगाया करवा चौथ का चित्र, पूजा कर रहे हैं सब लोग, दोनों बहुएं और मैं पूजा कर लेते हैं। अब मैं पढ़ूंगी कहानी, आप लोग भी मेरे साथ सुनिए। ये हमारी कथावाचक है और ये है मेरी बिटिया। चौथ माता की जय। यह त्योहार कार्तिक महीने की 30-14 को मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा होती है। यह सुहागन स्त्रियों के सुहाग का त्योहार है। इसका व्रत स्त्री अपने पति की दीर्घायु होने का वरदान पाने के लिए करती है। चित्र के सामने एक मिट्टी का बना करुआ और एक लोटे में जल भर कर रखे हैं। एक दीपक जलाते हैं, फिर मिट्टी गौर बनाकर रखते हैं। चित्र के नीचे सब सामान रख लेते हैं। दिन छिपने से पहले ये पूजा की जाती है। मीठे पुआ या जिसके यहाँ जैसा होता है वैसे मनसा पूरी कर लेते हैं। जिसके यहाँ जो हो वो चीज करनी चाहिए। साथ पूरी साथ पुआ करुए पर रखने के लिए जिन्हें चंद्रमा की पूजा करने के बाद स्वयं खाते हैं। सुहागन स्त्रियाँ सब श्रृंगार कर नई छुरी है बिछुए नई साड़ी दुपट्टा महावर बिंदी जेवर पहनकर पूजा करने में बैठती हैं। पहले गौर व करवा चौथ की पूजा करते हैं, फिर बायना मनसते हैं, फिर साड़ी का पल्लू करुए के ऊपर रखकर उठाकर माथे से लगाते हैं। लोटे को हर बार इधर से उधर, एक बार दाएं दूसरी बार बाएं रखते हैं। इनको करुआ पलटना कहते हैं। सदभर खानी करुआ ले, सदा सुहागन करुआ ले, ऐसा कहते जाते हैं और करुआ और लोटे को पलटते जाते हैं। चौथ की कथा। 7 भाइयों की बहन एक बीजा बेटी थी। वह भाइयों को बहुत प्यारी थी। जब तक बहन खाना नहीं खाती तब तक भाई भी नहीं खाते। एक दिन बहन का करवा चौथ का व्रत था तो भाई बोले आ बहन खाना खा ले। तब उसने कहा कि आज मेरा व्रत है, रात को चंद्रमा देखकर ही उसकी पूजा करके ही खाना खाऊंगी। इस पर उसका छोटा भाई बोला चंद्रमा अभी निकल आए तो अभी खाना खा लोगी। उसने कहा हाँ, उसने हाँ कह दिया। इस पर भाइयों ने सलाह करके अपने सबसे छोटे भाई को दीपक लेकर चलनी में रखकर पीपल के पेड़ पर चढ़ा दिया और बहन से बोले कि देखो चंद्रमा निकल आया है। चंद्रमा को देखकर बहन ने चंद्रमा की पूजा की और अपने भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। बहन जो है बहुत प्यारी थी भाइयों के साथ, भाइयों की एक बहन थी इसलिए बहुत प्यारी थी वो, इसलिए उन्हें लग रहा था कि बहन भूखी है। तो उन्होंने ये झूठ फूट का चंद्रमा निकाल के और बहन को खाना खिला दिया कि बहन खाना नहीं खाएगी तो हम लोग कैसे खाएंगे। इसलिए अब वो कर तो दिया, पर जब बहन ने पहला ग्रास तोड़ा तो मक्खी निकली, दूसरा ग्रास तोड़ा तो बाल निकल आया और तीसरा ग्रास तोड़ते ही उसके पति के मरने की खबर आ गई। वह वहाँ से रोती पीटती ससुराल पहुँच गई और पहुँचकर उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है पड़ा था। उसने अपने पति को लेकर 1 साल तक सेवा की, मरे हुए पति की उसने 1 साल तक सेवा की। जब दूसरे साल की करवा चौथ आई तो उसकी बड़ी भाभी करुए लेकर आई और कहा कि भैया की बहना करुआ ले, करुआ बदल लेते हैं। अभी बदलने 7 बार एक बार बदलेंगे, 7 बार एक बार पहले बदल लेती हूँ, है ना।
साथ में ये निभन करो ले अधभर खानी करो ले व्रत खंड नहीं करो ले। मैंने गौरा जी के साथ अपने करवे बदल लिए। हम लोग कहानी के बीच में 7 बार करवे बदलते हैं, फिर कहानी के अंत में 7 बार बदलते हैं। इस तरह 14 बार करवे बदलते हैं। जब वो दोबारा साल आती है तो उसकी भाभियां जब करवा बदलती हैं तब उस टाइम पे हम 7 बार करवा बदलते हैं। ये हमारा 14 बार होता है। अच्छा। तो 14 बार होता है तो पूरा माना जाता है। 7 बदलेंगे हम, बदल रही होती है, 7 फिर लास्ट में हम पूरा कर लेंगे। दूसरे साल की करवा चौथ आई तो उसकी बड़ी भाभी करवे लेकर आई और कहा कि भैया की बहना करवा ले, व्रत खंडनी करवा ले, बीजा बेटी करवा ले, अधवर खानी करवा ले, सदा सुहागन करवा ले। तब बहन ने अपनी भाभी को पकड़ लिया और कहा मेरा सुहाग दे दो भाभी। तब उसकी बड़ी भाभी ने कहा तुम्हारी छोटी भाभी आ रही है उसी से ले लेना। इसी तरह 6 भाभी आई और ऐसे ही कहकर करवा देती रही। तब उसकी सबसे छोटी 7वीं भाभी आई तो उसने उसके पैर पकड़ लिए और कहा तो मैं तब जाने दूंगी जब तुम मुझे भी अपना जैसा बना लोगी। इस पर उसकी 7वीं भाभी ने अपनी कन्नी उंगली चीर कर उसके पति के मुंह में डाल दी। इस तरह वह हरी हरी करते हुए उठ बैठा। जैसे उसको वरदान मिला उसी तरह हर स्त्री जाति को मिले वरदा सुहागन सौभाग्यवती रहें। इस मेरे यहाँ कोई बर्तन नहीं है। अच्छा मैं बर्तन ला के दे रहा हूँ, तुम खीर बनाओ। और एक मिट्टी घड़िया ला कर दे दी, हाथ में कोई नहीं लेगा, सब लोग खीर ले लें। सब बोले कि तेरे पास सब आज तू इतनी गरीब नहीं, तेरे यहाँ खीर कहाँ से आई? क्या भाई गणेश भगवान ने दी बेटा खीर तो और बच रही है। कहते गणेश जी को नाम ले, कोने मरिया होंगी मार दे। गणेश जी का नाम ले, पाउडर कोने मरिया होंगी मार दी। उसके तो खूब माया जदर मर करने लग गई। बोली बेटा मैं बुढ़ापे में माया धन संपत्ति का क्या करूँगी? अम्मा तुम्हें जो कुछ मांगना हो सो मांगो। एक कार्तिक का महीना हो तुलसा जी का नीचा हो, मेरे प्राण छूट जाए, मैं दुनिया उठाती उठाती रह जाए, मैं कोई पहन नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्णा में 5 वर्ष का रूप धारण करके हाथ में बंसी लेके पीतांबर धारण करके और मेरे से हाथ लगा मैं स्वर्ग उड़ जाऊँ। 5 वर्ष का रूप रख के भगवान श्री कृष्णा छूट गई, दुनिया उठाती उठाती हार गई। बड़े बड़े युद्ध बुलाए, बेटा नाती सब उठाए, कोई पहने उठा बुढ़िया गए। बुढ़िया के पास हाथ लगाया न कन्नी उंगली लगाते बुढ़िया सर को चली गई। जैसे मैं बुढ़िया की आई वैसे सब कोई ज्ञान गणपत गणेश घटा गणेश जय श्री कृष्ण भगवान की जय लक्ष्मी महारानी की जय। ये हमारी गौरा जी हैं, इनसे हमने सुहाग लिया है और इनकी पूजा कर ली है। इस पर हमने सतिया बनाया था, उस पर हमने फूल चावल और मिष्ठान रखा है। अभी अर्घ देने जाएंगे। ये हम तीनों के करवे, हम पूजा कर रहे थे तो हमारी गुड़िया भी मानी नहीं, उसने भी पूजा की थी। हम लोगों की पूजा तो हो गई है लेकिन चंद्रमा नहीं निकला है। चंद्रमा का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। और ये कथा के अंत में जो एक बार और पूजा की जाती है वो हो रही है। अभी भी चंद्रमा नहीं निकला तो फिर हम थोड़े फोटो वोटो खींच लेंगे, क्योंकि फिर बाद में खाने की पड़ती है जल्दी से। सब लोग भूखे बैठे होते हैं, देखते हैं इतनी देर में निकल आता है चंद्रमा, तो पहले अर्घ देंगे। चलो चलो चांद आ गया, रख लो भाई चांद आ गया, इसमें भी घी डाल दो। चंद्रमा निकल आया है, हम अर्घ देने जा रहे हैं, आ जाओ। अरे रे जय कर रही है, जय करती रहेगी ये तो। चलो आ जाओ आ जाओ अच्छा लगता है। क्या मतलब है इसके साथ? जलाओ लाइटर, लाइटर मम्मी जी का जलाओ पहले। नहीं निकालती है पतली। पापा जी आ जाइए, छोटा सा चांद। अभी दिवाली के बाद तो बेटा यहाँ नहीं करना, दीपक किसी के ऊपर ले लिया तो जो बन जाएगा। अभी थोड़ा भी सुनो बेटा, इधर अभी अम्मा और मम्मी और चाचा को करना, फिर आप करना। आज बाजार से कहा है यहाँ से बाजार भाई पैर में पड़ जाएगा। देख ये नोट उठा के भाई इधर देख लो। अरे मुझे तो पूजा होने दो पहले। चलो इसका भी वीडियो बनेगा।